मटन दस्ती है बकरे का अगले अच्छा मटन दस्ती है जबरदस्त मटन लेग है। इसके अलावा जो ये भी वही रेट है 800 रुपए जी। ये इसके अलावा ये हमारी मस्टर्ड सॉस है। ये क्या चीज है? ये मटन लेग है। मटन लेग है जी। ये भी वही रेट है? जी सेम रेट है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा ये हमारे सबसे जो नंबर टोकन दिखा के ये क्या बनेगा? इसका इसका चटपटा 100 रुपए बनेगा। चटपटा 100 बीफ। ये क्या वजन है अंदर इसका? ये तकरीबन 3.5 किलो का पीस है जी। 3.5 किलो अंदर क्या किलो बताया आपने? ये 850 रुपए किलो। 850 रुपए जी। चटपटा एक चटपटा होता है, नमकीन होता है। नमकीन होता है तो नमकीन के आपने क्या रेट बताया? सेम रेट है दोनों के। दोनों के सेम रेट है। जबरदस्त बहुत अच्छी क्वालिटी है। वजन हुआ बेटा 2 किलो 100 ग्राम। जबरदस्त। अच्छा अच्छा क्या पैसे बताया मना दिए इसके इनके आपने बिल? 1780। अच्छा ये जो है बोला ऐसा बढ़िएगा, ये जो इसकी तारीख वापसी यही होगी ना? 22 तारीख। यानी अभी ये भाई ने मुझे कहा है कि अगर जो तारीख हम देवे उस तारीख तक आप उठा लेंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से उठाएंगे तो वो टेस्ट हो जाएगा, वही होगा, अच्छा रहेगा। तो ये देखें आप फास्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आप और सुनते गानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हंटर बीफ क्या है? इसको मुतारिफ कराने वाले, इसको समझे कि क्वालिटी वाइज बनाने वाली एक ही कराची की इदारा है हनफिया। हनफिया जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बेनोरी टाउन मस्जिद के पास ये पे मौजूद है, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इसमें क्या क्वालिटी है इसके? आजकल लोग सालम बकरा भी कराते हैं, मुख्तलिफ आइटम होती है। तो कराची में सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने वाले, सबसे ज्यादा मुतारिफ कराने वाली शख्सियत सईद हनफिया का जो है हनफिया रेस्टोरेंट। तो आए देखे मालूम करते हैं ऐसी क्या चीज है, इसकी ऐसी क्या खासियत है जो पूरे कराची से लंडी कोरंगी मलिर सुरजानी टाउन कैसर टाउन हर इलाके से लोग यहाँ पे आते हैं और करा के जाते हैं। एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान है। तो आए देखे मालूम करते हैं ऐसी क्या है क्या नहीं है। जी वेलकम बैक। हम बेनोरी टाउन मस्जिद एक मशहूर मारूफ मस्जिद है, वहीं पे सबसे पहले समझे कि पानी हनफिया हंटर बीफ की रेसिपी को तारुफ कराने वाली एक ही नुमाइंदा शॉप है जिसकी शॉप नंबर 14 है। और हंटर बीफ चटपटी रान सालम बकरा कुर्बानी के गोश्त का, इसके अलावा 12 महीने ये सहूलत अवेलेबल है, 12 महीने में ये काम होता है। अच्छा इसके अलावा यहीं कभी भी आप गोश्त खा के देख लें आपको एक नंबर क्वालिटी मिलेगी। यहीं पे आप हर चीज की क्वालिटी आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज मयसर आएगी। तो एक नाम है, एक क्वालिटी, एक पहचान है अलहाज मोहम्मद हनीफ शलवी शमलवी जिसके जो बानी है हनफिया हंटर बीफ। आप गूगल में सर्चिंग करेंगे तो हनफिया ब्रोस्ट ये वो वाहिद दुकान है, ये वाहिद शॉप है जिन्होंने हंटर बीफ को मुतारिफ कराया। इसके अलावा बहुत सारे जी हाँ, और ये माशाल्लाह ये जो आपको नाम मैंने बताया हनफिया बानी है हनफिया अलहाज मोहम्मद हनीफ शमलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है माशाल्लाह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी सारी नस्ल माशाल्लाह इनके काम को भारी वसारी है। और जिसमें नुमाया हमारे जो शाब है सईद हनफिया साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सोशल वर्कर है, मारूफ बिजनेसमैन है। इसके अलावा जितने भी रिफाई काम हो रहे हैं माशाल्लाह वो हमेशा पेश पेश होते हैं। तो हम आपको दिखाते चलें कि ऐसी क्या आइटम है, ऐसी क्या क्या और नई वैरायटी मुतारिफ हुई है। ये देख लें आप सब चीजें हैं, ये लोग हैं ना पूरा पूरा बकरा लेके आ गए हैं और ये देख सकते हैं आप। ये देखें इफ्जान सेहत के उसूलों के मुताबिक हर चीज है। ये देखें आप कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जो जाएगा पूरी अंदर फैक्ट्री में तैयार होगा। सबसे पहले मुतारिफ कराने वाले यही एक इदारा है। कोई कहते हैं कि हम हैं लेकिन ऐसे दराज से तकरीबन हमने जब होश संभाला है, हमने बचपन में दिन गुजारा है तो हमने इन्हीं का नाम सुना है। याद है कि जब मैं करीमाबाद की इलाके में रहता था मैं वहीं से दूर से यहाँ पे आता था, तो अभी तकरीबन उसको रहे हुए छोड़े हुए अब अर्सा तो काफी अर्सा हो गया। तो ये देखते हैं ये क्या नंबरिंग है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। ये रेट लिस्ट है हमारी। आपका सर नाम क्या है? नासिर अली सर। नासिर अली साहब जी। अच्छा ये क्या रेट लिस्ट क्या है? ये हंटर बीफ बनाते हैं हम पर केजी के हिसाब से। अच्छा 850 रुपए पर केजी है। 850 रुपए पर केजी हंटर बीफ भी बनता है, चटपटी रान भी बनता है। अच्छा जिसकी आज अगर बुकिंग होगी तो ये कितने दिनों के बाद मिलेगा? ये सर आपको 22 तारीख को मिलेगा। 22 तारीख बाद, दो दिन के बाद। इसके मिनिमम आप कितने दिन रख सकते हो?
ये तकरीबन 2 से 3 दिन में बनता है। अच्छा, ताकि ये टेस्ट अच्छा आ जाए, जाएगा फिर उसमें टेस्ट अच्छा होता है, यानी जेन्युइन टेस्ट होगा। दो दिन के बाद जो आपने जो तारीख दी है उसको उठाएंगे, फिर बाद में वो चीज नहीं रहती है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास सालम बकरा बनता है, चावल भरा। अच्छा, इसमें चावल, अंडे, कोफ्ते, सॉस, सलाद सब कुछ होता है, वो बहुत यूनिक आइटम है। ये क्या रेट बनाते हैं, मैं इसकी भी वीडियो दिखा रहा हूँ। 1500 रुपए किलो के हिसाब से बनाते हैं। 1500 रुपए किलो जी। तो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप, मुझे थोड़ा दिखाएंगे, क्योंकि मेरी नजर पड़ी है सालम बकरा पड़ा हुआ है। सालम बकरा पड़ा हुआ, अभी भी भाई ने हमारे बताया कि इसमें चावल भरते हैं, ये माशाल्लाह ये पूरा हम इसको वाश करेंगे, उसके बाद इसको मसाले वगैरह लगा के अंडे चावल कोफ्ते इसके अंदर डाल के ये तैयार करेंगे हम लोग। अच्छा, अंडे चावल कोफ्ते वगैरह डाल के चटपटा बिल्कुल। तो ये आपने कितना बताया इसका, क्या किलो के लेते हैं? ये 1500 रुपए किलो है सर। 1500 रुपए किलो, ये तकरीबन कितना अंदाजा है? ये 20 किलो का बकरा है सर। 20 किलो का बकरा, जबरदस्त। एक असल में आपकी नाम है, क्वालिटी भी है, पहचान है। तो ये 1500 रुपए तो आप ले रहे हैं, मैंने आगे से देखा तो कुछ रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो लेकिन सबसे पहले मुतारिफ कराने वाले आप जो ले रहे हैं, तो इसीलिए ले रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की तरफ लोग रागिब हो। अच्छा, वो रेट होते हैं हमारे हर साल। तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है? ये तकरीबन सर 10 से 12 घंटे में तैयार होता है, पकता है। पहले उसको मसाले लगा के रखेंगे। जी हाँ। फिर उसके बाद ये 10 से 12 घंटे में पकेगा। 10 से 12 घंटे में ये पकेगा जी। तो अगर से कोई इसमें आप मुझे दोबारा अंदर बताएं, जो आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टेड बात बताई, अंदर कोफ्ते भी होते हैं इसके पेट के अंदर। ये पेट खोल के इसके अंदर चावल, अंडे, कोफ्ते हुआ, ये यहाँ से पेट के अंदर इसके चावल, अंडे, कोफ्ते डालेंगे इसके अंदर भर के। उसके बाद चावल, अंडे, कोफ्ते के साथ होगा, सॉस सलाद के साथ। सॉस सलाद के साथ जी। तो ये जो आपकी जो चटनी वटनी सब आपकी चीज सहूलत होगी, सब कुछ। तो इसके साथ क्या लोग लवाजमात लेते हैं, कि जैसे कोई ताफ्तान रोटी होती है, तंदूर की रोटी होती है, ये चावल के साथ खाया जाता है। उसके अलावा आप उन्हें घर में रोटी, क्या नाम है, पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं, कोई सुरजानी टाउन में बैठा हुआ है, ऑनलाइन सर्विस से आपकी सर्विस हासिल करना चाहते, यहाँ नहीं आ सकता, तो हर कोई इस इलाके से वाकिफ नहीं होता, तो ऐसी सर्विस है आपके पास, आपका राइडर जाएगा? अपने राइडर का है, हम डिलीवरी भी करते हैं, और अच्छी करते हैं हम। अच्छा, वो आपका तो ये माशाल्लाह 12 महीने काम है ना, जैसे हंटर बीफ जब बनवाना हो वो भी तैयार चाहिए, वो भी है, तो आपका पूरी सर्विस मौजूद है। जी जी बिल्कुल। जैसे ये अभी आपने सालम बकरा किया था, वैसे आमतौर पर लोग अपनी अपनी दावतों में करते हैं, तो ऐसी सर्विस आपके अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल, सर्विस अवेलेबल है, हम घरों में जाके बनाते हैं, कैटरिंग का काम भी है। अच्छा, शादी की तकरीबा हो या कुछ भी हो, वहाँ पे जाके भी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अलावा हमारी होम डिलीवरी की सर्विस भी है। हाँ, होम डिलीवरी। अच्छा, शादी भी आदि का तकरीबा के लिए? जी जी जी, उसके लिए भी करते हैं हम सर्विस, करते हैं। अच्छा, आपके एवरेज के हिसाब से ये जो है, ये जो सालम बकरा, इसको जो आप कोफ्ते डालेंगे, मुख्तलिफ इसमें लवाजमात डालेंगे, इसको कितने लोग सर्विंग खाएंगे, खा सकते हैं? ये 25 से 30 लोग खा लेंगे, बड़ा बकरा ये 30 किलो का जी। अच्छा, इसके साथ चावल भी होता है? चावल भी होंगे, अंडे भी होंगे, कोफ्ते भी होंगे, सॉस सलाद। अच्छा, कुछ रेडी होगा बिल्कुल। तो आपको अगर जब कोई देवे तो ये बकरा को साफ सफाई करके देवे ना? नहीं, वो आप जैसा भी हो, हम इसको धुलाई करेंगे, वाश करेंगे, नमक लगाएंगे, मसाला लगाएंगे, बिल्कुल साफ सफाई हो जाएगा। इसके भी चार्जेस अलग है, एक्स्ट्रा? नहीं सर, वो इसी के साथ, उसी चार्जेस के साथ सब कुछ। तो माशाल्लाह, ये देखें आप, ये जो 20 किलो का है ये बकरा, ठीक है ना, इसको सालम किया गया। तो मैं एक बार और इंटरेस्टेड, मेरे लिए बार बार है कि मैं भूलता जा रहा हूँ कि अंदर क्या क्या लवाजमत होगा, इसके अंदर कोफ्ता होगा, कोफ्ते होंगे सर, अंडे होंगे। अच्छा, कोफ्ते कितने होंगे? वो बकरे के साथ, बकरे के साथ जितना अंदर टॉपिंग हो सके। अच्छा, और क्या है? चावल है, अंडे उबले हुए होंगे? जी, उबले हुए अंडे हैं, चावल है। जितना अंदर घुसे, हमने हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मिमी स्टाइल, जितना अंदर घुसेड़ना चाहे घुसेड़, ताकि जल रहा हो, फंस नहीं हो जाए, और इसके साथ हो जाए। तो माशाल्लाह, और इसमें सालन बकरे के साथ और क्या क्या बनाते हैं? सालन बकरे के अलावा हम चटपटी धान बनाते हैं। अच्छा, और हंटर बीफ बनाते हैं। हंटर बीफ में दो वैरायटी है, एक प्लेन है नमकीन, और एक साल्टी है चटपटा। अच्छा जी, सही है, दो किस्म की वैरायटी में हंटर बीफ बनाते हैं। सही है, जबर। और ये हंटर बीफ दिखाएंगे थोड़ा सा, इसको वो कर दें, क्योंकि आपके में मेरे कहने पे आपने बाहर निकाला, नहीं तो आप इसको फ्रीजर में रखते। ये क्या चीज है? ये बीफ का पीस है।
बीफ का पीस है। सबसे पहले हमारे पास गोश्त आता है, हम इसको टोकन लगाते हैं ताकि जिस बंदे का है उसको यही मिले। अच्छा, उसी को मिले ना। क्योंकि हमारे पास हजारों पीस होते हैं, हमारे कस्टमर की ये शिकायत होती है कि ये हमारा ही हमें मिलेगा, ये 100% किस कस्टमर वो वाला हिसाब किताब नहीं है। जैसे सीख कबाब होती है, अगरम बगरम शगरम भी होता है, आज वो आजकल बुकिंग का भी प्रोग्राम आ गया। जब ये कस्टमर लेके आया, ये नंबर उसको अलर्ट हो गया, उसी को लेके जाएगा, उसको ये नंबर टोकन दिखा के बनेगा। इसका इसका चटपटा हंटर बीफ बनेगा, चटपटा हंटर बीफ। ये क्या वजन है अंदर इसका? ये तकरीबन 3.5 किलो का पीस है जी। 3.5 किलो अंदर क्या किलो बताया आपने? ये 850 रुपए किलो। 850 रुपए जी। चटपटा, एक चटपटा होता है, नमकीन होता है। नमकीन होता है तो नमकीन के आपने क्या रेट बताया? सेम रेट है दोनों के, दोनों के सेम रेट है। जबरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, जबरदस्त। और क्या वेरायटी होती है? और इसके अलावा मटन लेग बनती है, चटपटी रान, ये मटन दस्ती है जी। हाँ, ये क्या है? राग है, ये बनाते हैं सर हम जी। जी, इसके अलावा ये क्या कहता है इसको? तो ये मटन दस्ती है बकरे का, अगले मटन दस्ती है, जबरदस्त मटन लेग है। इसके अलावा ये भी वही रेट है, 800 रुपए जी। ये अलावा ये हमारी मस्टर्ड सॉस है। ये क्या चीज है? ये मटन लेग है। मटन लेग है जी। ये भी वही रेट है? ये सेम रेट है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे सबसे यूनिक सॉस होती है, मस्टर्ड सॉस हनीफिया की, जो हमने खुद तैयार की हुई है। अच्छा, कहीं से नहीं मिलेगी आपको सवाए हनीफिया की ये सॉस। अच्छा जी, ये इसके साथ इंक्लूड है अलग अलग दाम? ये हम सेल करते हैं, 400 रुपए की बोतल है। अच्छा, ये आप 6 महीने घर में रख सकते हैं, खराब नहीं होगी, तरीके से इस्तेमाल करें इसको। अलग से भी मिल सकती है, कभी भी लेने आए अभी आपको पता, हम लोग का ताल्लुक भी मेमन से है, मेमन चटोरे होते हैं खाने के, ये वो तो बोले चटनी भी चाहिए, ये मिल जाती है अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से दीगर कौम के तो जहन तो पढ़ लिया है हंसिया वालों ने, लेकिन मेमन कौम के भी इन्होंने काफी जहन पढ़ लिया। हर चीज यहाँ पे मिलती है, ये जो जमशेद रोड का इलाका मेमन कम्युनिटी के साथ साथ सारी अकवाम का बेहतरीन इलाका है जी। बिल्कुल। तो और क्या वैरायटी होगी, थोड़ी दिखाएंगे आप? ये 3 वैरायटी इसके अलावा भाई वही है, 20 के पीस पड़े हुए हैं, तो ये सब 100 पीस पड़ा हुआ है। जबरदस्त, इसको घुमा, इसको घुमा दो जी। और क्या? ये 100 पीस है पड़ा हुआ सारा जी। हाँ, जबरदस्त। ये है जी, ये देखिए, ये कस्टमर आया, हम इसकी बुकिंग कर रहे हैं। इसकी ये आपने कंप्यूटराइज वजन कर दिया जी, ठीक है। ये रान है मसाले वाले, माशाल्लाह। ये मैं बता दूं, खूबी ये है कि जिसका जो माल होगा उसको वही मिलेगा। इन्होंने टोकन लगा दिया, ये टोकन है, ये वो बिल्कुल सीख कबाब बोटी वाला हिसाब किताब नहीं है कि सबको ढपेड़ा दे दिया। और इसको मोबाइल नंबर क्या सर आपका? कंप्यूटराइज वजन है क्या इन्होंने? ये कितना वजन हुआ बेटा? 2 किलो 100 ग्राम। अच्छा, क्या पैसे बताया, मना दिए इसके? इनके आपने बिल 1780। अच्छा, ये जो है बोला ऐसा बढ़िएगा, ये जो इसकी तारीख वापसी यही होगी ना? 22 तारीख। यानी अभी ये भाई ने मुझे कहा है कि अगर जो तारीख हम देवे उस तारीख तक आप उठा लेंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से उठाएंगे तो वो टेस्ट हो जाएगा, वही होगा, अच्छा रहेगा। तो ये देखें आप, फास्टिंग फॉर्मिंग, ये देख लें आप, ब्रांड ऑफ द ईयर्स ऑफ द अवार्ड हासिल करता है, ठीक है ना? ये फास्टेस्ट ग्रोविंग, आपने नाम सुना होगा, ब्रांड ऑफ द ईयर्स, ब्रांड ऑफ द ईयर्स, हम द नेशन वॉइस ऑफ द नंबर वन चॉइस। तो ये सारे एक नाम है, अलहाज मोहम्मद हनीफ शमलवी बानिए हनफिया हंटर बीफ ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसे दराज से कायम है। ये मालूम करेंगे हम कि इन्होंने कब से बुनियाद रखी थी। इनके साथ भी है, मेरे दरमियान मौजूद है, और काफ़ी देर से वो मेरे लिए चाय और बिस्किट का एहतमाम करके बैठे हैं, लेकिन मैं चाय को ठंडी कर गया, लेकिन क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले हक के नमक अदा कर ले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? माशाल्लाह, अलहाज मोहम्मद हनीफ शमलवी जो आपके वालिद ग्रामी है, तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जवार रहमत का जगह दे, और इनकी जो सारे औलाद है माशाल्लाह सब नेक सलात नमाज के पाबंद है, तो अल्लाह ताला इनसे मजीद अच्छे से सिकाम ले। और मैं इनके तवस्सुल से मैं बताता चलूं, हमारे मोहम्मद सईद हनफिया साहब एक दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, इसके अलावा एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब दोस्त है, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहनुमा
माशाल्लाह इतनी सारी नेकियों वाले काम करते हैं तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते, लेकिन बहरहाल अल्लाह काम ले रहा है तो ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सैयद अनफिया साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये तो इत्तेफाक की बात, आप नजर आ गए, लेकिन आपसे सलाम दुआ भी होगी, मुलाकात भी होगी, आप मेरे व्लॉग में भी शामिल हो गए और आप मिल गए तो हमारे लिए क्या ही बात है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी इस शॉप की बुनियाद कब से हुई? आपके व्लॉग में नहीं, हम आपके दिल में है। हम तमाम कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर से मेरा मेमन कम्युनिटी से बहुत ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अक्सर तो लोग मुझे मेमन समझते हैं। मेमन हो ना यार, वो मुझसे गुजराती में शुरू हो जाते हैं। आप मेमन में रहते हो ना, तो हमारे मेमन दस दिन किसी के साथ रह लो तो वो मेमन जैसे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, सबको ईद मुबारक। ये माशाल्लाह 1956 से हमारी शॉप है। 56, अच्छा जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था। या माशाल्लाह, तो ये इसके बाद आप किन किन लोगों ने इसको सहारा दिया, इसको संभाला? आप ही से? ये हमारे अबाजदाद का बिजनेस था शिमला से। अच्छा, हम लोग शिमली में खिलाते हैं। अच्छा, शिमली की थोड़ी तारीफ बता दें थोड़ी। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली वाले अच्छा शिमली, शिमले वाले वो शिमली भी कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम दिल्ली भी है शिमली भी है, दोनों ही है। क्योंकि शिमली में बहुत एक रिवायत है, काफी समझे के अकाबरीन इसमें आए हैं। तो और मजीद ये सब लोग आप लोग संभालते रहे, काम चलता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह जहाँ तक मेरी रिसर्च काम करती है, मैंने भी अपना बचपन गुजारा, तो हंटर बीफ को मुतारिफ कराने वाली आप ही की शख्सियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलग 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 शुक्र है, ये हिंदुस्तान में जो एक इलाका है शिमला, तो वहाँ पे हम लोग वाइस राय के ना 1889 शिमला से ना, तो ये एक शिकारी गोश्त कहलाता है कि हंटर बीफ। पहले लोग शिकार करते थे, उसको प्रिजर्व कर लिया करते थे। अच्छा अच्छा, तो इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है ये कि इसमें नमक वगैरह लगाते हैं, इसका पानी निकल जाता है, तो इसको चंद घंटे स्टीम में रखते हैं, ये गोश्त जो रिड्यूस हो जाता है। अगर 10 किलो का गोटा है तो 4 किलो रहता है। अच्छा, सारी फोकट पानी निकल जाता है, अब गोश्त सॉलिड रह जाता है। अब वो सॉलिड गोश्त आप महीनों भर रखते हैं, फ्रीजर के अंदर इस्तेमाल करें, ये इसका सारा प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस है या। और ये जो सबसे इसको इंट्रोड्यूस करने में भी आप ही लोगों का हाथ है। जैसे एक पहले लोग पुराने वक्तों में इसको शिकार करके ये करते थे, वो जंगलों में बैठ के। जी बिल्कुल, तो यकीनन आपके अब्बा औजार ने भी पहले शिकार करते हो? नहीं नहीं नहीं, जंगलों में नहीं बैठे, ये एक्चुअली प्रोसेस वही है। अरे प्रोसेस वही है, उसी के तहत वो काम करते हैं। बहरहाल कहीं देखा होगा, रिसर्च की होगी तो सबके लबों पे आ गया है। नई चीज को इंट्रोडक्शन देना, फिर आजकल की आप जैसी नौ नस्ल मुख्तलिफ इसमें डायरेक्शन कर रही है ना, तो और मजीद क्या इसमें नई वेरायटी आप लोगों ने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन? हमारे पास सादा अंडरबीफ होता है, सादा होता है, चटपटा होता है, मसाले वाला। अच्छा, दो किस्म का होता है, ये भी होता है। तो कोई आपकी ब्रांच है का, ये थोड़ा सा यहाँ की लोकेशन समझा दे क्या? ये हमारी दुकान है माशाल्लाह मशहूर नूरगान के ऊपर, नूरगान मस्जिद के, बस मस्जिद के साहब में बैठे हुए उनका उनकी बरकतें ले रहे हैं। देखता हूँ नमाज के टाइम तो बंद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये अच्छी रिवायत है। अच्छा, तो ये जो बेनोडी टाउन मस्जिद है जिना रोड, जी जी जी, है ना, और कहीं ब्रांच है आपकी? नहीं, अभी इधर ही हमारी। आपकी समझे की ऑफिशियली यही है? हाँ, ठीक है ना, बाकी जो भी होंगे आपके हिसाब से, लेकिन जो ऑफिशियली जो है जो समझे कि स्टार्ट वाली यही है। और बाकी कोई मूड है कहीं आगे जाने का? एसी में अल्लाह कर रहा है यार, बरकत दे, अल्लाह बरकत, अल्लाह बरकत दे रहा है ना, लेकिन ये है कि अल्लाह ने चाहा, चांस मिलेगा जाएंगे, आगे भी जाएंगे। अच्छा चले, अल्लाह अल्लाह बहुत बहुत हमारे कस्टमर से ले ले जरा। जी 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 जी, ये माशाल्लाह मैं थोड़े से लोगों से थोड़ा तासुरा ले लेता हूँ, तो फिर आपको अंदाजा लगाऊंगा कि लोग ये क्या चाहते हैं, ये पहली बार आए हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये भी देख लेंगे कि लोगों के क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ताहिर खान। ताहिर खान, अच्छा, ये क्या बनाने के लिए आप आए? बस ये हंडर बीफ है। हंडर बीफ है, जी जी। अच्छा, पहली बार बना रहे हो या हमेशा बनाते हैं? हमेशा बनाते रहे। कौन से इलाके से आए? मैं तो नजमाबाद से। नजमाबाद से, हमेशा आप यहीं से बनाते हैं? दखा पख्तून पे, थोड़ा सा पश्तून में इलाका समझा दो या बताओ कि जो हंडर बीफ बनाने के लिए अनफिया है, यानी मैं पश्तून में बोल लूँ? पश्तून में बोल रहा हूँ।
भाई हाजी साहब का कौन सा पीस है? अरे वो भी दे दिया, ये इनका है, ये माशाल्लाह कितना वजन वाला बेटा? 2 किलो 800 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या बना? हाँ जी भाई साहब, क्या बना रहे हो? इंटरव्यू बना रहे हो माशाल्लाह। पहली बार आए हो कि आते रहते हो? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह अच्छे दराज से बना रहे होंगे ना? बहुत अच्छे, हाँ बेहतरीन, सब में नंबर वन है ये। अच्छा, सब इंट्रोडक्शन देने वाले भी यही है? यही है इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह। शुरू इन्होंने किया शहीद भाई का जो है ना, ये इंटरव्यू फॉर चटपटी रान बहुत अच्छी होती है। शहीद भाई अनपिया, अनपिया जो है ना, माशाल्लाह। बाकी तो और भी बहुत है, फसली बटेरे है, लेकिन इनका जो है ना ये पानी है, पानी यही है। इंट्रोडक्शन वाले भी यही है, माशाल्लाह। सबसे रेट भी इन्होंने कम रखा था कि लोग इधर उधर भटके ना। नहीं ले रखने की बात है जी। तो ये अभी बीफ है वो? 2 किलो 800 जी। जबरदस्त, देख लें आप, मसाले वाला। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरीके काम करते रहे। तो ये देखें आप, ये अभी भाई ने भी बना लिया, अभी भी ले लिया, अच्छी बना ली, जबरदस्त, क्या बात है। कब मिलेगा भाई? 22 तारीख को मिलेगा, माशाल्लाह। कितना बिल बनाया? 2400 का। वजन कितना? 4 किलो वजन। बहुत से लोग समझते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कितना महंगा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन चीज अच्छी खाने को मिल जाए। वो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हजारों रुपए की तादाद देने पड़ेगी। इसी तरह आते रहे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। अरे सर, एक सेकंड, थोड़ा सा अपना नंबर बता दें यहाँ का। 03-0330। सर ये जो ऑर्डर का देने का या हंटर बीफ के राइडर को मंगवाने का थोड़ा नंबर बता दें आप। 0347। डिलीवरी के नंबर बताओ। हमारे रेस्टोरेंट का होम डिलीवरी नंबर है 0347। हाँ हाँ। 4264-342। एक बार और बता दें। 0347। हाँ हाँ। 4264। हाँ हाँ। 342। अच्छा, टाइमिंग क्या है खुलने के? 12 से 4 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया।